नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली बफर स्टॉक एक्चुअली क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो बफर स्टॉक का जनरली एक्चुअली यूज ये होता है कि स्टेशन यार्ड वगैरह में आप देखेंगे कि एक्चुअली ये स्टॉक टाइप का बोर्ड लगे रहते हैं। तो इसका एक्चुअली पर्पस क्या है? तो यार्ड में क्या होता है कि किसी ट्रैक पे गाड़ी वगैरह जब स्टेशन मास्टर लेता है, और तो उसमें क्या है, गाड़ी खड़ी रहती है और किसी कारणवश जो है प्रॉपर पॉइंट अगर वो नहीं चलाता है, और किसी कारणवश जो है कोई दूसरा पॉइंट अगर ऑपरेट हो गया, तो उस केस में क्या है, गाड़ी जो है रोल डाउन हो जाती है। तो रोल डाउन जब हो जाती है तो गाड़ी क्या है, ट्रैक से दूर नहीं जाए, और ट्रैक से दूर नहीं जाए या दूसरा ड्रेल नहीं हो गाड़ी, इसके वजह से जो है ये बफर स्टॉप लगाया जाता है। और गाड़ी अगर रोल डाउन भी होती है तो यहाँ इस लोकेशन पे आके जो है गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। तो बेनिफिट यही होगा या इससे कि एक्चुअली जो कोचेज जो है और जो भी व्हील है वो क्या है, पटरी नहीं छोड़ेगी। तो यही एक पर्पस रहता है जनरली बफर स्टॉप का रेलवे में एक्चुअली देने का। और ये आपको यार्ड वगैरह में दिखेगा, और ये जनरली स्टेशन यार्ड में ही रहता है, क्योंकि स्टेशन यार्ड में क्या होता है कि ट्रेन को पास देने के लिए, अगर पैसेंजर ट्रेन वगैरह को क्या है कि गुड्स ट्रेन को जो है दूसरे लूप लाइन वगैरह में क्या है, गाड़ी खड़ी की जाती है और मेन लाइन से जो है पैसेंजर ट्रेन को निकाली जाती है। उसी केसेस में क्या है, किसी कारणवश अगर पॉइंट अगर गलत ऑपरेट हो गया, उस केस में ऐसा होने का संभावना रहता है, लेकिन काफ़ी कम ही होती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है स्टेशन मास्टर से गलती, तो ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यही है बफर स्टॉप का जनरली यूज और क्या इसका पर्पस है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बफर स्टॉप के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।